स्वामी श्री राम परमानंद अनन्य चेता सत्यम जो नाम स्मरति नित्यश यहाँ पर अनन्य चेता सततम और नित्य शय तीनों शब्द का क्या होता है? अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्यतः तस्याहं सुलभः पार्थ तस्य योगिनः। एक और श्लोक है, अनन्याश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो अनन्य शब्द का अर्थ होता है दो प्रकार। एक तो दूसरे का स्मरण न हो, अन्य चेता न हो, अन्य चेता न भवति इति अनन्य चेता, जिसका मन भगवान को छोड़कर और किसी में न जाए। यहाँ तक कि अपने हड्डी मांस चाम के पोटली शरीर में भी न जाए, यहाँ तक कि अपने अंतःकरण में क्या है इसमें भी न जाए। अन्य चेता न भवति, अन्यस्मिन् चेतो यस्य स अन्य चेता, अन्य चेता न भवति इति अनन्य चेता। दूसरे का ज्ञान ही न हो, मालूम ही न पड़े कि दूसरा कोई है, तो ये दूसरे का निषेध करने के लिए अर्थ हुआ अनन्य चेता। अब इसका दूसरा अर्थ क्या है कि परमात्मा में ही चित्त रहे। अनन्य चेता माने सर्वथा परमात्मा में ही चित्त रहे, दूसरे में न जाए, ये पहला अर्थ है। और परमात्मा में ही अनन्य हो करके ये चित्त रहे, ये दूसरा अर्थ है। आपने तो सुना ही होगा, यहाँ कोई यात्रा निकली थी ब्रज में, गोस्वामी जी का दरबार लगा, एक हमारे नंदगांव के गोसाई आ गए और लोगों ने कहा जय नंदलाल जय नंदलाल जय राधेश्याम जय जय राम। तो हमारे बल्लभपुर के गोस्वामी जी ने पूछा ये कौन है? सुनी तो पूछा आप कौन है महाराज? तो वो तो द्वार का बोझा सिर पर लिए आए थे और वहाँ नीचे खड़ा करके लाठी के सहारे खड़े हुए। आप कौन है महाराज? तो नंदगांव के लोग जहाँ गोटी आठ रख के अष्टमी का निर्णय होता है, वो मटके में गोटी रखते हैं, एक दो तीन चार, आज आठ गोटी हो गई, हाँ तो आज जन्माष्टमी है, पंचांग में नहीं दिखाया, और गोटी बताती है कि आज जन्माष्टमी। तो वो बोले कि तुम कौन हो महाराज? तो बोले कि मैं अनन्य हूँ। वल्लभ कुल के गोस्वामी जी बोले मैं अनन्य हूँ। तो अच्छा तुम अनन्य हो? तो नंदगांव के गोस्वामी ने कहा मैं अनन्य हूँ। वो बोले कि ये अनन्य क्या होता है भाई, ये अनन्य क्या होता है? अनन्य वो होता है जो दुर्गा और सूर्य गणेश इनकी उपासना न करे, केवल श्री कृष्ण की उपासना करे, वो अनन्य होता है। तो बोले कि तुम तो इन सारे को नाम भी जानो, हाँ हाँ, जो नाम भी न जाने सो अनन्य। तो भाई मेरे अन्य योग व्यवच्छेद जो है दूसरे को न जानना, ये तो अनन्य चेता है, और केवल परमात्मा को जानना ये भी अनन्य चेता है। अब दूसरी बात, सततम जरा मजा ले ले करके भजन करे हो, ततम वीणादिकम वाद्यम, जैसे
श्री राधा वल्लभी लोग, श्री हरिदासी लोग, महावाणी वाले जैसे ततम वीणादिकम वाद्यम, जैसे श्री हरिदास जी महाराज वीणा लेके भजन करते हैं एक सारा लेके, तो वैसे बड़े प्रेम से भजन करे। सततम जैसे वस्त्र में ताना और बाना के रूप में सूत रहता है, सूत से अलग कभी वस्त्र नहीं होता है, इसी प्रकार भजन लगातार सूत की तरह जुड़ा रहे, टूटे नहीं। अनन्य चेता सततम नित्यशः काल में, एक क्षण भी काल बिना भजन के न जाए और भगवान का स्मरण बना रहे। स्मरति, स्मरति का अर्थ है काम और रति दोनों, बोला स्मर बोलते हैं काम को, स्मरण निरंतर स्मरण बना रहे और रति बनी रहे, प्रेम बना रहे। जहाँ काम होता है वहाँ रति होती है, प्रेम से भगवान का स्मरण करे, उसके लिए भगवान कहते हैं मैं सुलभ हो जाता हूँ, दुर्लभ नहीं रहता हूँ, क्योंकि वो योगी हम में नित्य युक्त है, तो वो तो प्रयास करके युक्त हो रहा है और हम तो स्वभाव से ही उससे युक्त है, इसलिए उसके लिए सुलभ होते हैं। अनन्यास चिंतन तो माम में भी, वस्तु दूसरी न हो भगवान हो, ये तो हुआ अनन्य। और पर्युपासते माने जहाँ रहे वहाँ उसी देश में, अनन्यास चिंतन तो माम जे जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, माने हर समय, नित्य माने काल में, और पर्युपासते माने देश में, और अनन्य माने वस्तु में, कहीं भी परमात्मा के चिंतन में बाधा न पड़े। और हम एक बार तिरुपति बालाजी गए थे, बहुत दिन की ये बात है, अभी तो बीच में कितनी बार गए, तो वहाँ बहुत से सिंधी भी थे हमारे साथ गए हुए, और महाराज वहाँ भीतर बैठो आए राम, बाहर बैठो आए राम, ऐसी धुन लगी वहाँ संकीर्तन की, बाहर राम भीतर राम। अब वो तो ध्वनि बिल्कुल जम गई। तो तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो साधन अभी तक उसके अंदर नहीं आया है उसको दे देता हूँ, प्रकट कर देता हूँ, योग कर देता हूँ, और जो साधन उसके पास पहले से है माने अप्राप्त की प्राप्ति रूप योग करा देता हूँ, और प्राप्त का संरक्षण रूप क्षेम करा देता हूँ। इसकी एक कथा है महाभारत पर, पूरे महाभारत पर टीका करने वाले लक्षाभरण टीका के कर्ता हैं अर्जुन मिश्र, बहुत गरीब थे, पुरी में रह के महाभारत पर टीका लिखते थे। टीका लिखते लिखते वे उद्योग पर में पहुंच गए, भीष्म पर में पहुंच गए, और गीता पर टीका लिखने लगे। सो योगक्षेमं वहाम्यहम् ये श्लोक आ गया। आ गया तो उन्होंने कहा कि वहामी, वहामी का अर्थ होता है कि सिर पर रख के पहुंचाता हूँ, तो क्या भगवान किसी भक्त के घर में योगक्षेम सिर पर रख के पहुंचाएंगे? वो तो ददामी चाहिए। यहाँ मालूम होता है कि लेखक प्रमाद से जिसने ये पुस्तक हाथ से लिखी उसने ददामी को बहामी लिख दिया, लगा दी हड़ताल, बहामी पर लगा दिया हड़ताल और ददामी लिख दिया, और उसके बाद स्नान करने चले गए। इसी बीच में वो जो उनके घर में पंडिता जी थी, पंडितानी, उनके पास एक बालक आया, गरीब तो थे ही, वो बालक एक टोकरी में सब सामान लेके आया, चावल दाल घी सब्जी सब चीज लेकर के आया और मिश्रानी जी के सामने रख दिया। तो मिश्रानी जी ने जो उसकी ओर देखा तो उसमें कुछ हरी हरी चीज लगी हुई थी, तो
पीली 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 चीज लगी हुई थी। उसने पूछा ये क्या है बेटा? ये है कि मिस्र जी ने मुझे मार मार के घायल कर दिया, तो मैंने पीली दवा लगा रखी है और तुम्हारे पास सामान पहुंचाने के लिए आया हूँ। अब तो मिस्रानी जी ने कहा कि आने दो, उनको नहाने गए, मैं समझूंगी उनसे। तुम्हारे जैसे सुंदर बालक को और उन्होंने इतनी चोट पहुंचाई, बालक को चला गया। जब मिस्र जी घर में आए तो मिस्रानी जी बहुत नाराज, ये तुमने एक अबोध बालक को क्यों मारा? मिस्र जी ने कहा हमको न कोई बालक लगा न मारा। तो बोले देखो वो आया था, वही तो ये टोकरी का सामान दे गया है, तुम ही ने तो भेजा है ना। अब मिस्र जी को ध्यान आया कि गीता तो भगवान का स्वरूप है, उसमें से एक अक्षर काटना भी भगवान के शरीर पर चोट पहुंचाना है। और नारायण देखो भगवान भक्त के घर में अपने सिर पर टोकरी ले करके और सामान पहुंचाने के लिए आते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम अनन्य चेता सततम और अनन्यास चिंतयन्तो माम। ये भगवान अपने भक्त का कितना ध्यान रखते हैं इस बात का वर्णन है। और भक्त कैसे उनकी भक्ति करता है इसका भी वर्णन है। प्रश्न है, ईमानदारी क्या क्या उपयोग और जीवन में क्या? अच्छा, ये उर्दू में दीन और ईमान दो शब्द चलते हैं। मुसलमान को कैसा होना चाहिए? दीनदार और ईमानदार होना चाहिए, ऐसे ही बोलते। मुसलमान माने इस्लाम का सच्चा अनुयायी। मुसलमान शब्द का अर्थ है इस्लाम से मुसलमान शब्द बनाया हो, इस्लाम का जो सच्चा अनुयायी है मुसलमान, उसको कैसा होना चाहिए? का दीनदार और ईमानदार होना चाहिए, अपने धर्म के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और अपने हृदय जो चीज जैसी मालूम पड़ती है, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, मन में वही, वाणी में वही, कर्म में वही, ये महात्मा पुरुष का लक्षण है। और मन में कुछ और वचन में कुछ और कर्म में कुछ, ये दुरात्मा अर्थात बेईमान का लक्षण है। अपने प्रति जो ईमानदार है वही वस्तुतः ईमानदार है। एक बार एक सज्जन का नाम था रामा राव, दक्षिणी से। उन दिनों में लोग विदेश की यात्रा नहीं करते थे, उनका करने का इरादा हुआ। तो स्वामी जोगत्रयानंद जी महाराज एक बहुत बड़े महात्मा से काशी में उनके पास गए और उनसे पूछा कि महाराज हम विदेश जा रहे हैं, आप हमको कोई विशेष उपदेश कर दीजिए। तो बोले कि देखो बेटा, अपनी नजर में ही तुम चोर व्यभिचारी अनाचारी दुराचारी हो जाओगे तो तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सके, इसलिए अपनी नजर में अपने को कभी मत गिराना। जब तुम स्वयं चोर बनोगे, व्यभिचार करोगे, शराब पियोगे, दुराचार करोगे, जब तुम हस्ताक्षर कर दोगे कि हाँ मैंने चोरी की, व्यभिचार किया, अनाचार किया, तो अपनी नजर में जब तुम गिर जाओगे तो दूसरे लोग तुमको ऊंचा उठा हुआ देखें, उनके देखने से कोई लाभ नहीं, इसलिए अपनी नजर में अपने को कभी नहीं गिराना। मनुस्मृति में ऐसे आया कि यत कर्म कुर्वतो यस्यात्
परितोषोत्तरात्मन तत्प्रयत्न न कुर्वीत विपरीतम तु वर्जये। जैसे आत्मा प्रसन्न रहे, उसको ये न लगे कि मैंने चोरी की, व्यभिचार किया, पहले से ही सावधान होके करने में सावधान रह करके ही सब काम करना चाहिए। एक आदमी को बिलायत जाना था लाला लाजपत राय के पास किया। हम लोगों के बचपन में लाला लाजपत राय थे वो, हाँ, लाल बाल पाल तीन नेता थे हमारे, लाल से पंजाब में लाला लाजपत राय, बाल से महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और पाल से बंगाल में बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय ने कहा, देखो तुम विदेश जा रहे हो, जाओ, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं एक आदमी आया हूं, तुम अपने साथ समझना कि पूरा राष्ट्र, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व लेकर के मैं आया हूं। मैं जो करूंगा उसकी उसका यश अपजस सारे राष्ट्र को होगा, इसलिए सावधान रहकर काम करना। तो अपनी दृष्टि में जितना अपना ज्ञान है, जितनी अपनी शक्ति है, उसके अनुसार जो उचित लगता है वही करना चाहिए, अनुचित नहीं करना चाहिए। ये ईमानदारी है और समाज के साथ इसका संबंध रजोगुणी, सत्वगुणी, तमोगुणी तीनों प्रकार के लोग हमेशा रहते हैं। सत्वगुणी लोगों का इसके साथ पूरा संबंध रहता है, रजोगुणी लोगों का थोड़ा कम रहता है, और तमोगुणी लोग जो हैं इस संबंध से, ईमानदारी के संबंध से च्युत हो जाते हैं। और ये कहने की रीति हमारे बाबा बोलते थे पितामह, कि हम लोग जब बच्चे थे तो एक रुपए का मन भर गेहूं मिलता था, और हमारे बचपन में एक रुपए का 10 सेर गेहूं मिलता था। मैं आपके सामने बैठा, देखो जमाना बदल गया, क्या हो गया, ऐसे हमारे बाबा भी बोलते थे, हमारे पिता भी बोलते थे, हम भी बोलते हैं, और हमारे सिद्धार्थनाथी भी बोलते हैं। ये ऐसे बोलने की रिवाज ही पड़ गई है कि पहले बहुत अच्छा जमाना था और अब बहुत बुरा। लोग अपनी जिंदगी देख देख करके करते हैं, तो देश विशेष में समाज अलग होता है, जाति विशेष में समाज अलग होता है, और विश्व में मानव समाज अलग होता है। तो अपनी दृष्टि से अपनी जो ईमान है, अपना जो यकीन है, अपना जो विश्वास है, वो समाज के साथ बिल्कुल उचित होना चाहिए, यही उसका समाज के साथ संबंध है। अब ये है कि पूरा का पूरा राष्ट्र या प्रांत या जाति या मजहब सब का सब ईमानदार हो जाए, तो ऐसा न तो कभी था और न तो होना शक्य है। इसलिए अपने को बिल्कुल ईमानदार बनाना चाहिए, और जब एक एक ईमानदार बनेंगे तो अपने आप ही समाज ईमानदार होगा। और व्याख्यान देने से तो महाराज, व्याख्यान देने वाले की जीविका चलती है और सुनने वाले का मनोरंजन। तो आप भी मनोरंजन कर लो और हम भी आपको आपका मनोरंजन कर देते हैं। अहम ज्ञान प्रकाश से वाले अहम प्रकाश से, अहम और ज्ञान में कौन आधार तथा कौन आते हैं? अहम से ज्ञान पैदा होता और नष्ट होता है, या ज्ञान से अहम पैदा होता है और नष्ट होता है? निवेदन है कि दोनों नारायण। ज्ञान तो घड़े का भी होता है, कपड़े का भी होता है, मकान का भी होता है। तो विषय की जो परिच्छिन्नता है, कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत, उस परिच्छिन्नता का आरोप
ज्ञान में होता है। जैसे एक रोशनी में अगर बारी बारी से या एक साथ हजार आदमी दिखे तो रोशनी एक ही होती है, दिखने वाले बहुत होते हैं, चाहे एक साथ दिखे चाहे क्रम दिखे। ऐसे पहले इदम और अहम का विवेक करना चाहिए। इदम माने यह, घाट पाट मठ, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, जो यह के रूप में जाना जाता है उसको इदम कहते हैं, और वो होता है अनेक, लेकिन अहम होता है एक। सबको आप जानते हैं क्रम से भी, एक साथ भी, और सबके अभाव को भी जानते हैं। घट व्यक्ति, घटत्व उसकी जाति और घटाभाव, तीनों एक ही ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। अहम जो है वो घड़े को जानता है, एक घड़े को, हजार घड़े को, और घड़ों के न होने को कौन जानता है? अहम जानता है, मैं जानता हूँ। परंतु ये जो मैं है, ये मैं भी किसी को पकड़ के अहम होता है। तो अनित्य से अनित्य की अपेक्षा अहम नित्य होता है, परंतु अहम भी जागृत स्वप्न में प्रकाशित होता है और सुषुप्ति में प्रकाशित नहीं होता, अहम सो जाता है। तो जो अहम के द्वारा इदम को प्रकाशित करता है, अहम के द्वारा इदम को प्रकाशित करता है और कोटि कोटि अहम को प्रकाशित करता है, वो है ज्ञान का स्वरूप, जो अहम के रहने पर भी रहता है और अहम के न रहने पर भी रहता है। सुषुप्ति में अहम का स्फुरण नहीं होता, फिर भी सुषुप्ति का ज्ञान होता है। और ये सबका अनुभव है कि जागृत एवं स्वप्न में जो अनुभव होता है वो अनुभव सुषुप्ति में नहीं था, न घट था, न पट था, न मठ था, न स्वप्न की सृष्टि थी, इतने समय तक कुछ मालूम नहीं पड़ा। तो इदम और अहम दोनों का लोप सुषुप्ति में हो जाता है और वो मालूम पड़ता है। इसका अर्थ है कि सुषुप्ति का भी ज्ञान होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्तंच गुणतो बुद्धि वृत्तयः तासाम विलक्षण साक्षी। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सत्व रज तम के अनुसार वृत्तियां हैं, और इनका जो साक्षी है इनसे विलक्षण है, और वही आत्मा है और वही ज्ञान है। इसलिए यदि ऐसा कहें कि अहम से ज्ञान प्रकाशित होता है, तो ज्ञान के बिना भी अहम को रहना चाहिए, और ज्ञान के बिना अहम रहता है ये कैसे मालूम पड़ेगा? तब तो जगदान्ध्यम प्रसज्जेता, सारी दुनिया फिर तो अंधी हो जाएगी। इसलिए इदम और अहम ये जो द्वंद्व है, ये ज्ञान स्वरूप विशुद्ध आत्मा में अध्यस्त है, अध्यारोपित है, दृश्य है, मिथ्या है, कल्पना है। इसलिए अब इसको दूसरी तरह से बताते हैं। इदम का तो संपूर्ण रूप से बाध हो जाता है, और अहम में जो चिदंश है वो अबाधित है, ब्रह्म है, और जो अहम में परिच्छिन्नता है, जड़ता है, वो मिथ्या है। इसलिए तूटस्थ जो है अहम में वो तो ब्रह्म स्वरूप है, और आभास जो है अहम में वो मिथ्या रूप है। इसलिए अहम में जो तूटस्थ है वो परमात्मा से एक, और जो अहम में इदम आदि को प्रकाशित करने वाला आभास है वो इदम के साथ ही साथ
मिथ्या होता है। इसलिए जो कुछ प्रकाशित होता है वो सब ज्ञान से ही प्रकाशित होता है, और जब अहम में से आभास को छोड़ देते हैं तब न अन्यते इति अहम, जो जिसका कभी बाध न हो उसका नाम है अहम। न अन्यते इति, न हंति इति, जो किसी को नहीं मारता अहम। न जहाति, जो कभी छोड़ के नहीं जाता है उसका नाम अहम। न हियते इति अहम, जो कभी छोड़ा नहीं जाता उसका नाम अहम। और अकार से लेकर हकार पर्यंत, अयोण से लेकर हल पर्यंत जितनी वर्णमाला है उन सबके द्वारा जितने शब्द बनते हैं और उन शब्दों के द्वारा जितने वाक्य बनते हैं और उन वाक्यों के द्वारा जो कुछ प्रतिपादित होता है वह सब जिसमें समाया हुआ है वो अहम पद का मुख्य अर्थ है। और अहम ब्रह्मास्मि में उसी अहम को अहम बोलते हैं। वही अहम आत्मा ब्रह्म में आत्मा है, वही तत्त्वमसि में त्वम है, वही प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञान है, और इदमंश और आभास, आभास भी इदमंश ही है। उसका परित्याग कर देने पर जो कूटस्थ आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही है। ओम शांति। क्या वाह वाह, आप पुरुषार्थ करते रहिए, प्रारब्ध बन जाए। और प्रारब्ध मिटाने का पुरुषार्थ कीजिए तो प्रारब्ध मिट जाए। पौरुष का ही बनाया प्रारब्ध होता है और पौरुष से ही प्रारब्ध मिटता है। भगवान का स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए, मेटत कठिन कुवंक भाल के, कुवंक माने प्रारब्ध, भाभी मेट सकई त्रिपुरारी, भाभी माने घर की भाभी नहीं हो प्रारब्ध, भाभी मेट सकई त्रिपुरारी है। अच्छा, आपके मन में जो ताप है वो पौरुष है कि प्रारब्ध है? आपके मन में आप जो करते हैं पाप, वो पाप करना तो पौरुष से होता है, हो और उससे जो ताप होता है वो आरब्ध के रूप में आता है। पाप ताप दोनों का विनाश भगवान के स्मरण से हो जाता है, कार्य और कारण दोनों का। तो प्रारब्ध का निर्माण पौरुष से होता है, इसलिए पौरुष का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। पौरुष भगवान के भजन में भी होता है, पौरुष भगवान पर विश्वास करना भी पौरुष है। भगवान की कृपा हमारे ऊपर उतर रही है ये भी आपको सम्मुख होना पड़ेगा भगवान के। हाँ, अब प्रारब्ध का मतलब सुनिए। मतलब प्रारब्ध संबंधी जो मत है उनका ये लव है, देश मात्र है। आओ, जैसे आपको कभी कोई मशीन बनानी हो तो सोचेंगे कि इसकी डिजाइन क्या होगी, उसका नक्शा ऐसा होगा, इसको कहते हैं आकृति। और आकृति से जाति बनती है। तो कोई चीज बनाने के लिए जब आप उसकी सकल सूरत का निश्चय करते हैं तब होती है वो जाति। और कितनी चक्कर लगाने के बाद ये मशीन ठप पड़ जाएगी ये होती है उसकी आयु। और कितनी गर्मी सर्दी ये सह सकती है इसका नाम होता है भोग। जाति, आयु और भोग, ये तीनों प्रारब्ध से मिलते हैं। सतिमूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा, मूल में जब कुछ रहता है
तब उससे उसके फल स्वरूप जाति आयु और भोग बनते हैं। तो जैसे मशीन की जाति होती है, ये मोटर का चक्का बना रहे हैं, मोटर की बॉडी बना रहे हैं, ये चक्का कितने चक्कर लगा सकता है ये उसकी आयु हो गई, और कितनी गर्मी कितनी सर्दी में वो काम कर सकता है या गल सकता है, ये हो गया उसका भोग। तो ये प्रारब्ध जितना है और कर्म के द्वारा बनता है, पूर्व जन्म का कर्म हो इस जन्म का कर्म हो, प्रारब्ध से सुख और दुख मिलते हैं। तो ये सुख दुख जो है ये भोग हैं। तो यदि इस जन्म में आपके प्रारब्ध से सुख नहीं मिलता है तो आप पौरुष कीजिए, पुरुषकार कीजिए, अगले जन्म में आपको सुख मिलेगा। तो ये जो पौरुष है ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इस जन्म में अपना फल दे, अगले जन्म में अपना फल दे, क्योंकि बिना फल दिए यदि कर्म की निवृत्ति हो जाएगी तो अकृतार्थागम और कृत हानि नाम का दोष प्रसक्त होगा कि आपने जो कुछ किया वो बिना फल दिए नष्ट हो गया, और आपने कुछ किया नहीं और फल आपको मिल रहा है। इसलिए प्रारब्ध करने का तो है ही नहीं है, प्रारब्ध तो मिलने का है, करने का तो असल में धर्म है। आप खुद धर्मानुष्ठान कीजिए, अपना पवित्र आचरण कीजिए, आपका प्रारब्ध नहीं है तो भी वो बन जाएगा और आपको अपने कर्म के अपने धर्म के अनुसार फल देने लगेगा। इसलिए पौरुष से वंचित कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा ही पौरुष करते रहना चाहिए। भगवान का स्मरण करो, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करो, भगवान पर विश्वास करो। लेकिन भाई काम तो दोनों ओर से बनेगा, गुरु और शिष्य का यही शाश्वत मतभेद है। क्या शिष्य कहता है महाराज आपकी कृपा से सब होता है, गुरु कहता है नहीं बेटा तुम्हारे पौरुष से सब कुछ होता है। भगवान कहते हैं जीव ये तुम्हारे कर्म का फल है, जीव कहता है नहीं महाराज ये आपकी कृपा है। ये हमेशा का मतभेद चला आया है, जीव को चाहे विश्वास करना हो, चाहे कृपा का अनुभव करना हो, चाहे साधन करना हो, अपनी ओर से जब कुछ हाथ पांव वो पीटेगा, एक कदम भगवान की ओर चलेगा तो भगवान 100 कदम चल के उसकी ओर आ जाएंगे। जे जसा माम प्रपद्यन्ते सदैव भजाम्य हम। इसलिए भजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जो भक्ति के मार्ग में चलते हैं वो भजन कभी न छोड़े, जो ज्ञान के मार्ग में चलते हैं उनको विचार कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और जो धर्म के मार्ग में चलते हैं उनको सदाचार कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही पौरुष है जो अंत में प्रारब्ध बनाता है, भगवान की कृपा को लखाता है। ओम शांति। चुटकी बजाने में क्या आज तक किसी को हुआ है, कृपया बताने की दया करें। वैसे हमने ये कथा पढ़ी थी कि राजा जनक जब घोड़े पर चढ़ने लगे, एक रिकाब अपना बायां पांव घोड़े के रिकाब में रख दिया और दाहिना उठा के बीच की ओर से रखना ही था। इतने में अष्टावक्र जी ने ऐसा कुछ कह दिया कि राजा जनक को तत्व ज्ञान हो गया। आप क्या कहते हैं, एक क्षण में तत्व ज्ञान? अरे बिना क्षण के भी तत्व ज्ञान हो जाता है वो, क्योंकि तत्व कोई अप्राप्त नहीं है ना, वो तो अपना स्वरूप ही है। अपि पुष्पावदलनाथ अपि लोचन मीलनाथ योगो यम सुकर साधो। आंख मीचने में तकलीफ है और फूल की पंखड़ी मसलने में तकलीफ है, ताप कला है, तकलीफ माने ताप कला, थोड़ा सा ताप, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में साक्षात्कार में कोई कष्ट नहीं है,
क्योंकि वो कहीं दूर नहीं है, उसके मिलने में कहीं देर नहीं है, वो कोई दूसरा नहीं है। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, क्या है, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। असल में भाई मेरे राजोरिया जी, ये बेटा बेटी नहीं छूटते हैं, धन दौलत नहीं छूटती है, इज्जत प्रतिष्ठा पूजा अपने आदर का भाव नहीं छूटता है, इसी से परमात्मा के दर्शन में विलंब होता है। ये जो पकड़े हुए हैं वो बिना छोड़े ही हम जैसे मुट्ठी में कुछ भर के रखें और उसमें फिर मक्खन रखना चाहें। एक बार मैं बच्चा था जब ऋषिकेश गया था, तो ये पुल नहीं था ऋषिकेश और कैलाश के बीच में, पानी आता था बह जाता था। अब वो पानी आ गया हमको तो मालूम था नहीं, हम खाड़ियों की ओर जा रहे थे, पानी जान के बराबर आ गया तो इतनी तेजी से बहे कि अब लगे मैं बह गया, हिम्मत करके झाड़ी में गया, पानी हुआ तो बड़े संदेह, दिन भर खड़े रहते थे और धूप में, उनको जो देखा तो महाराज डर के मारे हमारे बस कांपने लगा, लुट गया धरती में, थर था कांपता हुआ, उन्होंने बुला लिया और बुला के बताया तुम इतनी तकलीफ उठा के आए हो, देखो जब तक हाथ में माटी रहेगी कूड़ा रहेगा तब तक उसमें मक्खन रखोगे तो वो नहीं रहेगा। तो ये जो हम लोग संसार को अपने मन में बसा के रखते हैं ना, भगवान के मिलने में देर नहीं है, अपने मन में बसाए हुए संसार को निकालने में देर है। जहाँ मन में से नहीं बसा हुआ संसार निकला, वहाँ तो परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, वो अंतर्यामी है, सर्वभूतानां हृदये चेतु तिष्ठति यो जो न प्रचोदयात्, सर्वत्र है, जो वाम पश्यति सर्वत्र, वो परमात्मा की प्राप्ति में विलंब नहीं है, तत्व ज्ञान में विलंब नहीं है, विलंब तो उसमें है कि असत्व से वैराग्य नहीं होता। जब असत्व से वैराग्य होगा तो तत्व ज्ञान तो तत्काल हो जाएगा। यही बात शायद कल मैंने वहां कहीं कही थी, स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी ने कहा कि जब तुम्हारी कर्म वासना भोग वासना योग वासना निवृत्त हो जाए, आना हम चुटकी बजावेंगे और तत्व ज्ञान हो जाएगा। आप माया और प्रकृति का अस्तित्व क्यों बनाए रखना चाहते हैं, परमात्मा का ही अस्तित्व रहे ना, मिट जाने दीजिए माया प्रकृति को। माया और प्रकृति को बनाए रखने में मोह ही क्यों है, जो योग हो वर्णंदा हित अनहित मध्यम ब्रह्म संदा, जन्म कर्म ऐसी है तो जग जान जालग जग जालू, यही तो माया प्रकृति है ना, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू, देखिए सुनिए गुनिय मन माही मोह मूल परमारथ नहीं। तो जब व्याप्य व्यापक दोनों है तो वासुदेव सर्वम तो पढ़ते ही है ना गीता में, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान भवति ततः वासुदेव सर्वम इति माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान होता है और तब वो सब वासुदेव हैं, व्याप्त भी वही व्यापक भी वही नारायण। नीलिमा में आकाश व्यापक है, वो आकाश व्यापक है और नीलिमा व्याप्य है, दोनों दो चीज है क्या, रज्जु व्यापक है और सर्प व्याप्य है, क्या रज्जु सर्प दो चीज है क्या, तो व्याप्यक व्यापक वही है क्या, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, खंड माने उसमें टुकड़े टुकड़े नहीं है, माने वस्तु भेद, व्याप्य व्यापक है
माने अंतर देश और बहिर देश का भेद नहीं है, और अखंड है माने वस्तु परिच्छेद बिल्कुल नहीं है, और अनंत है माने काल परिच्छेद नहीं है। वस्तु परिच्छेद, देश परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद और काल परिच्छेद से रहित सर्प भगवान ही है, परंतु सर्प का निषेध करके पर भगवान का बोध होता है और आत्मा की परमात्मा से एकता होती है। देखो एक दृष्टांत, तेज से जल हुआ और जल से पृथ्वी हुई, है ना, है? क्या है, वायु और अग्नि, अग्नि राप अद्व्या पृथ्वी पृथ्व्या अग्नि, उपनिषद स्थित होता है। माने ये पृथ्वी भी अग्नि से ही पैदा हुई तो उससे घड़ा बना पृथ्वी, और जल भी अग्नि से ही पैदा हुआ तो उससे पानी बना है, और सूरज भी अग्नि से ही पैदा हुआ है तो उसका उसमें प्रतिबिंब पड़ता है। तीनों तेजस है, पृथ्वी भी घड़ा भी तेजस है, उसमें जो जल है उसको भी तेजस है, उसमें जो सूरज का प्रतिबिंब है सो भी तेजस है, सूरज भी तेजस स्वरूप तेजस ही है, एक तेजस का ये सारा रूप है। परंतु घड़ा और जल ये तेज रूप है ये समझना बहुत कठिन है, और जल में जो सूरज का प्रतिबिंब है वो तेज रूप है ये समझना बहुत कठिन है। तो बिंब प्रतिबिंब में तो एकता हो जाती है आसान, इस घड़े में जो चित वस्तु का प्रतिबिंब है उसकी परमात्मा के साथ एकता तो बहुत जल्दी समझ में आती है, परंतु ये अंतःकरण और ये शरीर ये भी परमात्मा तत्व ही है ये समझना बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए वेदांत की रीति से इनका अपवाद करना पड़ता है, बट्टे खाते में डालना पड़ता है, वाद करना पड़ता है, तब बिंब और प्रतिबिंब की तो एकता आसान है। लेकिन है सब क्या, सब तेजस तत्व ही है, तेजस तत्व के सिवाय और कोई नहीं है, जो भगवान के सिवाय मालूम पड़ता है। ये तो नव नव जग वाटिका रही है, फल फूल रे भूए कोसो धौरा देख तू न भूल रे, आनंद सिंधु मध्य तव बासा गुन जाने तू मरत पियासा। नारायण ये जीवन सन्मूलक है और ये वृत्तियां ज्ञान मूलक है, चिन्ह मूलक है, और ये प्रीति जो है वो आनंद मूलक है। परमात्मा है सच्चिदानंद, तुम्हारे बेटे का ही नाम वो हमको मालूम है, इनके बेटे का नाम सच्चिदानंद है। तो ये सन्मूलक जीवन, चिन्ह मूलक वृत्तियां और आनंद मूलक प्रीति, ये जब तक परिच्छिन्न होते हैं तब तक मौत से घिरे रहते हैं और दुख से घिरे रहते हैं और अज्ञान से घिरे रहते हैं। निहारेण प्रावृता जल्प्या असुत्रपहा उपसाश्चरंती, वेद भगवान कहते हैं एक कुहासे में गिर गया है। निहारेण प्रावृता असुत्रपहा इंद्रियों की तृप्ति में लग गया है, उक्त सासहा बस दीखता तो कुछ है नहीं, हुकुम मानो और काम करो, नीच हो गया है, हीन वृत्ति का हो गया है। अंग्रते नैव प्रत्युढ़ा, ये सब वेद भगवान कहते हैं अंग्रत से ढके हुए हैं, झूठ से ढके हुए हैं। तो जब तक अपना सत जीवन माने आकृति रहित जीवन और चित ज्ञान अर्थात वृत्ति रहित ज्ञान और आनंद अर्थात भोग्य रहित भोग्य भोक्ता रहित आनंद, ज्ञात्र ज्ञेय रहित ज्ञान, कर्ता कर्म रहित सत
ये जब तक परिच्छिन्नता से व्याप्त है तब तक प्रार्थना करनी पड़ेगी। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस से हमको ज्योति में ले चलो, माने अज्ञान से निकाल कर ज्ञान में पहुंचाओ। तमसो मा मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्यु से निकाल कर हमको अमृत का अनुभव कराओ। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, ये पहली बात है। सत अनंत सत्य एक हो जाए और तमसो मां ज्योतिर्गमय, अज्ञान से मुक्त करके ज्ञान स्वरूप हो जाए, और मृत्यु और मां मृतंगमय, दुख से मुक्त होकर अमृत स्वरूप हो जाओ। इसका शास्त्रीय विवेचन यही है कि प्रीति अपना सच्चिदानंद होने के कारण प्रीति अपना स्वरूप है, इसलिए जब ये किसी पराये से होती है तो वो अज्ञान मूलक होती है, भ्रांति मूलक होती है, वासना मूलक होती है, दुखदायी होती है, दुख में इसका परिणाम होता है। और जब ये आत्म प्रीति होती है तब ये वास्तविक होती है, क्योंकि प्रीति अपनी आत्मा का स्वरूप ही है, आनंद स्वरूप है। अब भगवान यदि अलग रहेंगे तो उनसे भी माला फेर फेर के, याद कर कर के, पुकार पुकार के, रोय रोय के, गाय गाय के प्रीति करनी पड़ेगी। और जब भगवान अपने आत्मा के रूप में होंगे तो न पुकारना पड़ेगा, न रोना पड़ेगा, न गाना पड़ेगा। अब बिना अभ्यास दूसरे होंगे भगवान तो उनसे अभ्यास करके प्रीति करनी पड़ेगी, और जब अपने आत्मा होंगे भगवान तो सहज प्रीति आत्मरति आत्मानंदः, आत्मरति आत्मानंदः क्रियावान एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठा, तब ब्रह्मविद वर, ब्रह्मविद वरिष्ठ, ब्रह्मविद वरियान, ब्रह्मविद वरिष्ठ हो जाएगा। और जब तक परमात्मा से अलग रहेगा आत्मा तब तक परिच्छिन्न रोना गाना हंसना बोलना मरना जीना लगा रहेगा, और परमात्मा से एक होने पर ये सब मिट जाएंगे। और परमात्मा जब अपना आत्मा हो जाएगा तो उससे प्रीति करनी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल स्वाभाविक जैसे आत्मरति जिसको कहते हैं वो हो जाएगी। इसलिए बाबा तत्व ज्ञान जो है वो सारे अनर्थों को सारे क्लेशों को दूर कर देता है। सबसे पहली बात है कि जो दाहिने गिरे उनको गिर जाने दो, जो बाएं गिरे उनको गिर जाने, जो पीछे छूटे उनको छूटने दो, सामने तीर की तरह शरवत तन्मयो भवेत, अपने लक्ष्य से परमात्मा से एक हो जाओ। देखो न तो जीवन में मृत्यु आवेगी, न तो ज्ञान में अज्ञान आवेगा, न आनंद में दुख आवेगा, न पूर्ण में परिच्छिन्नता आवेगी। ओम शांति शांति। तत्व की अपेक्षा रखती है या नहीं? संकल्प तो सत्व में ही होता है, अंतःकरण में ही संकल्प होता है, तत्व में तो संकल्प होता ही है, इसलिए सत्व में संकल्प है और सत्व की शुद्धि में संकल्प की सिद्धि है। इसका तत्व से कोई संबंध नहीं है। अंतःकरण जितना उपासना शुद्ध योग शुद्ध होगा उतनी संकल्प सिद्धि होगी। एक विशेषता तत्वज्ञ के संकल्प में और है, क्योंकि वो निसंकल्प है, तो जिसके चित्त में जितने कम संकल्प होंगे उसके संकल्प सिद्ध होने की उतनी संभावना रहेगी। जो दिन रात संकल्प ही करता रहता है उसका संकल्प बहुत अधिक होने के कारण सब सिद्ध नहीं हो सकता, और जिसके अंतःकरण में कभी एकाध संकल्प आ जाते हैं वो अपने आप ही
सिद्ध हो जाता है। तो संकल्प सिद्धि भी और सत्व शुद्धि भी, ये दोनों एक ही अंतकरण में रहते हैं, परंतु जो वैराग्य पूर्वक तत्वज्ञ होता है उसके मन में संकल्प बहुत कम होते हैं केवल विस्थान काल में, और वैसे तो वो साधारणतः निसंकल्प ही रहता है। निरस्त सर्वसंकल्पा या शिलावदवस्थिति, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ प्रगोच्यते, जड़ताम वर्जयित्वैताम शिलाया हृदयं च जत, अमनस्कम महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा। संकल्प तो जो भगवान की उपासना करता है उसके संकल्प भी केवल भगवत संबंधी ही होते हैं, संसार के लिए संकल्प नहीं होते हैं। और जो योगाभ्यास करता है उसके संकल्पों का निरोध हो जाता है, और जो तत्वज्ञ होता है उसके संकल्पों का बाध हो जाता है। परंतु शुद्ध सत्व बाधित होने पर भी यदि उसमें कोई संकल्प आ जाता है कदाचित तो वो सिद्ध ही हो जाता है। तो उसमें तत्व का या तत्व ज्ञान का बल नहीं है, तत्व शुद्धि का ही बल है, अर्थात संकल्प की न्यूनता का ही बल है। जो दिन भर में 17 प्रार्थना करेगा उसकी कौन सी प्रार्थना पूरी होगी? इसलिए जिसके चित्त में संकल्प जितने कम होते हैं यही सत्व की शुद्धि भी है। संकल्प का कम होना सत्व की शुद्धि है, और जिसके संकल्प थोड़े होते हैं वो तत्काल पूरे हो जाते हैं। ओम शांति। अगर सगुण परमात्मा के दर्शन पुरुषार्थ से होते हैं या भगवान की कृपा स्वस्थ सत्कामी का ब्रह्मचारी के लिए, पुरुषार्थ और भगवान की कृपा, इसमें फर्क करने का कोई कारण नहीं है। भगवान कृपा सब पर करते हैं या किसी किसी पर? तो यदि भगवान सब पर कृपा करते हैं तो फिर भक्त की कोई विशेषता नहीं रही, सगुण परमात्मा के दर्शन की भी कोई विशेषता नहीं रही, क्योंकि भगवान की कृपा तो सब पर है तो सबको सगुण भगवान का दर्शन होना चाहिए, लेकिन किसी को होता है और किसी को नहीं होता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जो भगवान की कृपा को पहचानता है उसको तो भगवान की कृपा सर्वत्र दिखती है, और जो भगवान की कृपा को पहचानता ही नहीं है उसको कृपा हो तब भी नहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए जो भगवान के सम्मुख है उसके तो भगवान की प्रत्येक क्रिया में कृपा ही कृपा दिखाई पड़ती है, प्रभु मूर्त ही कृपामयी है। और जो भगवान के सम्मुख नहीं है विमुख है उसमें सब में भगवान की कठोरता ही दिखाई पड़ती है, कृपा दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए कृपा जो है वो है तो सब पर, लेकिन जो वैराग्यवान होगा और कृपा चाहेगा उसको कृपा का अनुभव होगा, और जो कृपा को चाहता ही नहीं है उसको कृपा होने पर भी कृपा का अनुभव नहीं होता है। तो भगवान की कृपा को निर्निमित्त मानने पर कि वो बिना अधिकारी का विचार किए ही होती है, भगवान पर ये दोष आता है कि वो किसी किसी पर कृपा करते हैं और किसी पर नहीं करते हैं, तो ये विषमता भगवान में क्यों है? इसलिए किसी पर कृपा होने और न होने में कोई कारण होना चाहिए, और वो कारण ये है कि जो भगवान के सम्मुख है उसको कृपा का अनुभव होता है और जो विमुख है उसको कृपा का अनुभव नहीं होता। भगवान तो सम है, वो कृपा करें तो सबके ऊपर करें और न करें तो किसी के ऊपर न करें,
इसलिए कृपा में तो कोई फर्क नहीं है, परंतु उसके अनुभव में फर्क है। भक्त अभक्त हृदय अनुसारा, गोस्वामी जी ने कहा कि भक्त हृदय को तो भगवान की कृपा का अनुभव होता है और अभक्त हृदय को भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता। एक माँ है, बच्चे को रोटी नहीं देती है खाने को, क्योंकि उसको बुखार है, तो वो बुखार उतर जाए इसके लिए उसने रोटी बंद कर दिया, तो रोटी न देने में भी कृपा है। एक माता है, वो गर्म पानी में साबुन घोल के और उसमें बच्चे को बैठा के उसका शरीर मलती है, बच्चा रोता है कि माँ नहीं कसाई है, लेकिन माँ की कितनी कृपा है उस बच्चे के ऊपर। तो इसी प्रकार जब जीव जो है वह अत्यंत मलिन अवस्था में पहुंच जाता है तो भगवान उसको नरक में डालते हैं। नरक में कैसे डालते हैं, यहाँ के लोग तो शायद जानते हो कि नहीं, क्या बोलते हैं हमारे गांव में, बोलते हैं सन्हाना नाम की चीज होती है। रात को वो नाद में गंदा पानी भरा रहता है और रात को जो बर्तन उपलों पर या लकड़ी पर जलते हैं, काले पड़ जाते हैं, उनको रात को सन्हाने में डाल देते हैं और सवेरे उठा के स्त्रियां जहां दो हाथ लगाएं वहां वो बिल्कुल साफ हो जाता है। तो बर्तन को साफ करने के लिए उनको सन्हाने में डालना पड़ता है। बर्तन भले समझें ये मालिक की क्रूरता है, लेकिन मालिक तो उनको स्वच्छ बनाने के लिए ही उस सन्हाने में डालता है। इसी प्रकार भगवान जो हैं, वो कभी कभी दुख जो देते हैं वैसे ही, जैसे बच्चा आग छूने के लिए जाए और माँ पकड़ के कान ऐंठ दे आप अब से गया तो और मारेंगे तुमको, अथवा हम बार बार कभी आग छूने का प्रयास करते थे हमको याद है तो हमारी माँ हाथ पकड़ती और ले जाके आग के पास कर देती, जब हम हाय हाय करने लगते तो हाथ हटा लेती कि देखो हाथ करोगे आग के पास तो जल जाएगा। बोला एक बार तो मैं माँ कहीं छोड़ के चली गई चूल्हा, तो वो फूंकती थी उपलों की आग को मुंह से, तो मैं भी जाके फूंकने लगा तो ये हमारा ये जो है पकौड़ा ये कड़ाही से सट गया तो जल गया, पकौड़ा पड़ गया, फिर कभी नहीं गया। तो ये जो महाराज जीवन में दुख आता है वो भी भगवान की ओर से कृपा के रूप में ही आता है। वो तो कृपा को लोग पहचानते नहीं हैं, अपनी वासना पूरी हो, संकल्प पूरा हो तब तो समझते हैं बड़ी कृपा है। श्री हरि बाबा जी महाराज कहते थे कि जिस दिन अपनी वासना पूरी होती है या संकल्प पूरा होता है उस दिन तो भगवान की कृपा है कि नहीं इसमें शंका है, हमारी वासना के अनुसार हो गया। जिस दिन हमारी वासना के अनुसार नहीं होता है उस दिन खुश होना चाहिए कि आज हमारे यार की वासना के अनुसार हुआ, मेरी इच्छा के अनुसार तो नहीं हुआ पर हमारे मित्र की इच्छा के अनुसार तो हुआ ना। इसलिए कृपा को पहचानने में बहुत बड़ी भूल रहती है और हम अपनी वासना पूरी करते हैं। इसलिए श्री रामानुजाचार्य ने कहा सामुख्य वही मुख्याभ्याम व्यवस्था, कृपा अकृपा की व्यवस्था भगवान के सम्मुखता और विमुखता से होती है। ब्रह्म सूत्र में कहा है वैषम्य नैर्घृणे न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति, भगवान में किसी के प्रति पक्षपात या किसी के प्रति निर्दयता नहीं है। जिसका अंतःकरण जैसा होता है वो अपने अंतःकरण के अनुसार उसमें पक्षपात और निर्दयता का आरोप कर लेता है, वो तो समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः जे भजन्ति तु माम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्, ऐसे भगवान हैं। इसलिए कृपा को पहचानना जो है ये पुरुषार्थ है। माने जब सत्संग करोगे, साधन करोगे, भजन करोगे, अपनी वासना का परित्याग करोगे तब अपने हृदय को भगवान के सम्मुख करो तो देखो कृपा ही कृपा मालूम पड़ेगी। इसलिए भगवान की कृपा से जो भगवत दर्शन होता है
वो जो जप करके तप करके ध्यान करके प्रेम करके अपने अंतःकरण को भगवान के इतने सम्मुख कर देता है कि उसमें भगवान के दर्शन की योग्यता आ जाती है और कृपा उतरती है। इसलिए जो साधन भजन न करे वो सोचे कि हमारे ऊपर कृपा हो रही है, तो उसका सोचना केवल मनोबच्चा पैदा करने के लिए पौरुष, धन कमाने के लिए पौरुष, इज्जत पाने के लिए पौरुष, अपने नाम के साथ डिग्री लगाने के लिए पौरुष, और भगवान की कृपा का अनुभव करने के लिए पौरुष नहीं, तो ऐसे लोग असल में भगवान की कृपा के अधिकारी नहीं होते हैं। पहले करो और करते 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 इतना करो कि जो अभिमान है कि मैं करके भगवान को पाऊंगा वो टूट जाए। बिना किए अभिमान टूट नहीं सकता, इसलिए भगवान का दर्शन हो नहीं सकता। जब करते करते जब ये होगा कि बस अब इससे अधिक मैं नहीं कर सकता, इसके आगे तो बस हमारी गति नहीं है, तो वहाँ भगवान तुमको अपनी गोद में उठा लेंगे और दर्शन दे देंगे। लेकिन जब तक अभिमान रहेगा अपने पौरुष का, तब तक भगवान का सच्चा दर्शन होना संभव नहीं है। ओम शांति शांति शांति।